तो अब हमने इसे फाइंड करना है, आपस में इक्वल आएंगे, तो अब हम देख लेते हैं, सॉल्व करते इसे, फाइंड कर लेते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, फिर उसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए और डी सी आपस में पोजीशन चेंज करेंगे, बी और सी द साइन, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 2 4 6 6 माइनस 4 माइनस 2 1 फर्स्ट रो इन टू फर्स्ट कॉलम, तो यह आ जाएगा 1 6 are 6 प्लस माइनस माइनस 2 4 are 8 4 6 are 24। वैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस होता है 5 6 4 are 24, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 1 into -2 -2 2 into 1 प्लस के साथ 4 into -2 -8 प्लस 6 1 are 6 -2 0 0 -2। सो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये आ गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, सो ये हमारे पास 6 -2 -4 1 into 1 2 4 6 6 - 8 - 4 प्लस 4 6 2 are 12 -12 -8 प्लस 6 -2 0 0 -2 और जॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और जहाँ पे आप देखें ए इंटू और जॉइंट ऑफ ए हमारे पास इतना है। अब हम तीसरी चीज़ फाइंड कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 2 4 6 6 1 are 6 माइनस फार्मूले तो 4 2 are 8 विच विद -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई -2 into 1 0 0 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स के साथ, सो यह आ जाएगा -2 0 0 -2। सो आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास इससे इतना आया, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी हमारे पास इसी से इतना आया, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारे पास -2 0 0 -2 से इतना आया। सो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। नेक्स्ट पार्ट में हमें चाह रहे हैं बी इंटू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इंटू बी, तब इसे फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे, 3 2 - 2 - 6 माइनस फार्मूले था, और ये -2 2 - -1 - 6 प्लस 2 विच विद -4 और जॉइंट ऑफ ए आ जा बी आ जाता हमारे पास, इन दो से पोजिशन चेंज करेंगे -2 3 सी और डी था साइन बी और सी था साइन चेंज करेंगे, ये आ जाता +1 - 2। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी आ जाता हमारे पास -2 - 2 1 3 डिवाइडेड बाय -4 -2 - -4 1 - -4 -2 - -4 3 - -4। सो ये आ जाता हमारे पास 1 by 2 - 1 by 4 1 by 2 - 3 by 4। सो बी इनवर्स हमारे पास इससे चला आ जाएगा। अब बी इंटू बी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, 3 2 - 1 - 2 into 1 by 2 -1 by 4 -3 by 4 3 into this 3 by 2 -1 by 2 2 by 2 -2 by 2 -3 by 4 -- +3 by 4 यह आ जाता हमारे पास -2 by 4 -- +6 by 4।
सो टू थ्री माइनस वन, ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ये भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। फोर माइनस टू प्लस सिक्स, सो टू थ्री माइनस वन हमारे पास टू होता है, माइनस टू प्लस सिक्स हमारे पास फोर होता है, वन ज़ीरो ज़ीरो वन। सो ये हमारे पास इससे चला आ गया। उसके बाद बी इनवर्स इंटू बी फाइंड कर लेते हैं। वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर, थ्री माइनस वन टू माइनस टू। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, थ्री बाई टू माइनस टू बाई फोर, थ्री बाय टू माइनस, अब देखें थ्री बाय फोर जब मल्टीप्लाई होता है टू से, माइनस मैंने यहाँ पर लिख लिया, थ्री वन द्री थ्री टू ज़ार फोर, तो ये हमारे पास थ्री बाई टू बच जाएगा। अब फर्स्ट टू इंटू सेकेंड कॉलम माइनस वन बाई टू, जब टू मल्टीप्लाई होता है वन बाई फोर से, सो ये आ जाता है वन बाई टू थ्री, सो माइनस माइनस प्लस वन बाई टू। अब वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस माइनस प्लस सिक्स बाय फोर, जब ये हमारे पास सिक्स बाय फोर है, टू वन टू टू ज़ार फोर, टू थ्री ज़ार सिक्स, तो ये थ्री बाय टू भी हम लिख सकते हैं। अब इसे हम आधे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, तो इसी जगह पर हम वन बाय टू लिख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो टू ही आ जाएगा, थ्री माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो, माइनस वन प्लस थ्री, सो थ्री माइनस वन हमारे पास टू आ जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री हमारे पास टू आ जाएगा, टू डिवाइडेड बाय वन, टू डिवाइडेड बाय टू वन आता है, ज़ीरो ज़ीरो। सो आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास आई से बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारे पास वन ज़ीरो ज़ीरो वन। उसके अलावा आप देख सकते हैं बी इंटू बी इनवर्स भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से चल है, और बी इनवर्स इंटू बी भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही चल आया। सो हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपसे वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो से लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे। थैंक यू।